एवरीवन, तो आज जी हम लाइव विड्रॉल प्रूफ आपके साथ शेयर करेंगे कोटेक्स का। ठीक है, कोटेक्स के अंदर हम अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डिपॉजिट करते वक्त क्या बोनस लेना चाहिए। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे अगर आप बोनस लेते हैं तो काफी हद तक आपका जो विड्रॉल है वो रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपका एक टर्नओवर है जिसको आपने कंप्लीट करना होता है। अगर वो टर्नओवर आप कंप्लीट नहीं करते तो आपका विड्रॉल नहीं लग सकता। लेकिन कोटेक्स के अंदर ये बहुत ही जबरदस्त एक सिस्टम जो मुझे लगा कि आप अगर बोनस ले भी लेते हैं देन फिर भी आप विड्रॉल करवा सकती हैं, लेकिन उसकी शर्त ये होगी है कि एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने $100 जो है वो डिपॉजिट किए और साथ में बोनस या मेरा प्रोमो कोड आप यूज़ करती हैं। ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर हैं उनको उनके साथ मैं प्रोमो कोड शेयर कर देता हूँ, 80% का 100% तक आप बोनस ले सकती हैं। अगर किसी का प्रोमो कोड आप यूज़ करते हैं या ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे जो बोनस दिए जाते हैं वहाँ पे कोई बोनस आप ले लेते हैं, ठीक है, अब आपने $100 डिपॉजिट किया, 50% का आपने जो है वो बोनस ले लिया, $150 आपके अकाउंट में हो जाए। अब आपको बोनस लेने का फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बोनस लेने का फायदा आपके साथ ये होगा कि एक तो आपके जो है बैकअप के अंदर आपके पास $50 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, उसके अंदर आप ट्रेड लेकर सीख भी सकती हैं। ठीक है, सिग्नल्स जो VIP ग्रुप के अंदर देती हैं उनको फॉलो भी कर सकती हैं, डबल अमाउंट वहां से जनरेट कर सकती हैं, और बैकअप के लिए जो मार्टेंगल हम यूज करती हैं उसके लिए आपको बोनस बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, एक कोटेक्स वाले भी आपको एक टारगेट देते हैं कि ये टर्नओवर आपने कंप्लीट करना है जो आपने बोनस लिया है, लेकिन यहाँ पे ये शर्त नहीं है कि आपने लाजमी वो जो है टर्नओवर कंप्लीट करना है। जब अब $100 आपने लगाया, $50 आपने बोनस ले लिया, अब आपको $100 की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से विड्रॉल लूँ, तो आप विड्रॉल के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि जो आप विड्रॉल ले रहे हैं इसके अंदर जो आपने बोनस लिया था वो विड्रॉल नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप अपनी अमाउंट जो कैपिटल अमाउंट भी हम उसको कह सकते हैं, बाकी अपनी अमाउंट को ईजिली विड्रॉल कर सकती हैं। तो यहाँ पे कैपिटल आपका अमाउंट नहीं होता, आपका कैपिटल जो है वो स्टक नहीं होता। ठीक है, तो आप इजीली अपना कैपिटल विड्रॉ करवा सकते हैं, आपका बोनस जो है कैंसिल हो जाता है। तो चलें, मैंने खुद बोनस लिया हुआ है, मैं लाइव विड्रॉल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे $200 का मैंने यहाँ पे विड्रॉल लेना है, ठीक है, और मैंने बोनस भी लिया हुआ है। मैं अपना बोनस जो है कैंसिल करूंगा और अपना विड्रॉल कैपिटल जो है वो निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काफी लोग मुझे ये डिमांड कर रहे थे कि क्या बोनस हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये माइंड आपका क्लियर कर दें कि बोनस लेना चाहिए या नहीं। अदर प्लेटफॉर्म बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं ट्रेडिंग के जहाँ पे जब आप बोनस लेते हैं तो आपकी अमाउंट स्टक हो जाती है, आप विड्रॉल नहीं ले सकते, लेकिन कोटेक्स के अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे, लाइव विड्रॉल भी करती हूं और बोनस इस तरह कैंसिल होता है वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा जी, हम लाइव विड्रॉल लेने लगे हैं। तो इस अकाउंट के अंदर हमने बोनस लिया था, तो बोनस का क्या फायदा होता है कि बैकअप के लिए आपके पास अच्छी अमाउंट हो जाती, तो तकरीबन 250 अमाउंट को मैंने 500 प्लस किया है। तो अब अगर मैं विड्रॉल ले भी लेता हूँ तो बोनस की कटौती के बाद भी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर हूँ, तो ये फ़ायदा होता है बोनस लेने का। लेकिन जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं और विनिंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे जी मैं जाता हूँ इस जगह पे और यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अमाउंट मेरे पास 555 है और अवेल जो मैं विड्रॉल करवा सकता हूँ वो $454 है। उसकी वजह ये है कि मैंने $100 का जो है वो बोनस लिया हुआ था, तो लेकिन मेरी एक्चुअल अमाउंट $250 थी, तो इसका मतलब इस वक्त मैं प्रॉफिट में ही हूँ। तो यहाँ पे मैं 200 का विड्रॉल लगा के देखता हूँ और यहाँ पे एड्रेस TRC20 का नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा, TRC20, यहाँ पे अपना जो वॉलेट है ये मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बोनस इज अकाउंट विल बी कैंसल इन टर्नओवर हैज़ नॉट बी कम्प्लीटेड, तो वो कह रहा है टर्नओवर आपका कम्प्लीटेड नहीं है, तो ये आप देख के कर लें। तो यहाँ पे जी मैं स्टिल कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कि मैंने जी विड्रॉल लेना ही है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे एक वेरीफिकेशन कोड मेरी ईमेल पे आया, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। चलें जी, वो पेस्ट करने लगे, यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, तो ये हमारा विड्रॉल जो है वो लग चुका है। आज ये मुझे मेरे अकाउंट में हो जाएगा रिसीव, वैसे 48 घंटे लिखे हैं लेकिन 2-3 घंटों के अंदर हो जाता है,
तो 24 घंटों से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता। तो जैसे मुझे रिसीव होगा मैं ग्रुप के अंदर दिखा दूंगा, तो को बैकअप अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 250 लगाया था और 500 आया मेरे पास, 100 की कटौती होगी बोनस की, तो 450 मेरे पास मौजूद था, जिसमें से 200 मैंने निकाल लिया। अब 200 मैं यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हूँ। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप बोनस लेते हैं कोटेक्स के अंदर तो इस तरह आप कर सकते हैं बैकअप के लिए, लेकिन अगर आप विनिंग ट्रेडिंग करते हैं फिर आप कीजिएगा, अदरवाइज अगर आप रेगुलर ट्रेडर नहीं हैं और विनिंग ट्रेडर आपसे नहीं हो रही देन फिर बोनस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है।